अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गार्लिक फ्राइड चिकन की रेसिपी विद राइस। और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। तो यकीनन आपको ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ईजी लगेगी और बहुत ही यमी लगेगी, देखने में भी और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए चल के देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट और इसका फुल मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नमकीन चिकन मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी उसके लिए जो सबसे पहला मेरा स्टेप है लहसुनी चिकन का, उसमें यहाँ पर देखिए मैंने चिकन लिया है और चिकन के मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करवा लिए और मैंने यहाँ पर 1.5 किलो के करीब जो है ये पीसेस लिए हैं। और इसके अंदर जो है वो मैं सबसे पहले जो ऐड करूँगी वो पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये करूँगी कि चिकन को मुझे थोड़ा सा गलाना है, तकरीबन 80%। और इसके अंदर जो है एक तरह से हमें यखनी भी मिल जाएगी और हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा। तो इसमें जो है वो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर देखें ये गार्लिक पाउडर मैंने लिया है, ये भी 2 टेबलस्पून के बराबर है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बस सिर्फ ये दो चीज़ें जाएंगी पानी के साथ, चिकन के साथ। और अब मैं अपना चूल्हा ऑन कर रही हूँ और इसको बॉयल आने तक का वेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं ये करूँगी कि इसको कवर कर दूँगी और इसके चिकन के 80% तक गलने का मैं वेट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन जो है वो हमारा तकरीबन टेंडर हो चुका है, 80% डन हो चुका है, हमें इतना ही चाहिए। तो अब मैं ये करूँगी कि यखनी को जो है वो अलहदा करूँगी और इन पीसेस को जो है वो मैं अलहदा कर दूँगी। तो यहाँ पर देखें मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, चिकन जो है वो यहाँ पर 80% डन है और कितना जूसी सा लुक दे रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास स्टॉक है, तो चलते हैं इसके सेकेंड स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो सेकेंड स्टेप के इंग्रेडिएंट बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर फ्राइड चिकन के साथ जो राइस मैंने तैयार करने हैं उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ देखें मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इसके साथ सॉल्ट है, ये 1.5 टेबल स्पून है। इसके साथ 1 टेबल स्पून जो है वो चाइनीज सॉल्ट लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ये 1.5 टेबल स्पून है। इसके साथ ही यहाँ पर जिंजर पाउडर है यानी अदरक का पाउडर, तो ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के। और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर लहसुन पाउडर लिया मैंने। कुछ खड़े गर्म मसाले यहाँ पर लिए हैं मैंने, तो यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और यहाँ पर काला ज़ीरा मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पर 10 से 12 जो है वो लौंग हैं और इस तरह यहाँ पर देखें छोटी इलायचियाँ जो हैं वो 8 से 9 अदद हैं। इसके साथ ही बड़ी इलायची मैंने ली है, ये 3 से 4 अदद है। दालचीनी के स्टिक्स हैं यहाँ पर 3 से 4 अदद और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया है, धनिया और पुदीना लिया है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 1 टेबल स्पून लगाना है। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, स्लिट्स में कट की हैं। और यहाँ पर 1 अदद लेमन लिया है, इसको स्लाइसेस में कट किया है। और साथ ही यहाँ पर अनियन है, प्याज है, वो एक बड़े साइज़ का लिया है और इसको स्लाइस में रफली कट कर लिया। यहाँ पर एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें मैं 1.5 कप के बराबर जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ और कर रही हूँ उसके गर्म होने का वेट। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और इसको करूँगी लाइट सा गोल्डन। तो यहाँ पर देखें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो यहाँ पर अब हम ये करेंगे कि लहसुन पाउडर जल्दी से इसमें ऐड करना है और साथ ही इसमें अदरक पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो सबसे पहले इसमें जाएंगी और साथ ही इसमें जो है वो 1/2 कप
पानी का मैं ऐड करूँगी ताकि ये जो मसाला है, ये लहसुन और अदरक सूप का जो पाउडर है वो जलने ना पाए। तो यहाँ देखिए कि ये है ना बिल्कुल डिफरेंट से राइस और डिफरेंट की रेसिपी। तो यकीनन आपको बहुत ही मज़े की लगेंगे राइस की टोटल रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर सबसे पहले लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर डालने के बाद, पानी डालने के बाद अब हम डालेंगे, तो अब यहाँ पर ये सारे जो है वो खड़े गर्म मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो टमाटर ऐड कर दूंगी मैं। टमाटर, हरी मिर्ची और लेमन, तो अब यहाँ पर बाकी के मसाला जाती है ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर रेड चिली पाउडर के साथ ही चाइनीज सॉल्ट, और इसके साथ ही मैं सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें, और इसके साथ ही यहाँ पर कोथिंबीर डाल दे रही, और दोबारा से इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो पानी के जाएंगे, साथ में मसाला जो है वो जले ना। और अब इसको यहाँ पर मैं कवर अप करूँगी 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो फिर दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देखें कि टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला अच्छी तरह से इसमें और शुभकान है, तजपन मसाले का अच्छी तरह से दूर हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे मैं ये करूँगी कि मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी, और ये यखनी जो है वो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 9 ग्लास के बराबर है, और जो राइस है वो 5 ग्लास के बराबर है, कि मैंने अपने राइस की क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से जो है वो पानी लिया है, और राइस जो है वो मैंने भिगोए हैं 15 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर मैं बॉयल आने का वेट करूँगी इसको कवर अप करके, और जैसे ही बॉयल आता है मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें मैं राइस ऐड कर रही हूँ। जब यहाँ पर पानी में इस तरह से बबल बनने लग जाए तब आपने ये करना है कि धनिया और पुदीना जो है वो जो रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें ऐड हो जाएगी। और अब करेंगे इस पानी के खुश्क होने का वेट। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पर अब हमें इसको सिम पर रखना है। तो थोड़ा सा जो है वो फ्रूट कलर मैं इसमें यहाँ ऐड कर रही हूँ, ड्राई जगह पर मैंने इसको दूध में ऐड किया है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर रही हूँ कवर अप, और इसको रख रही हूँ सिम पर 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो दूसरी तरफ हम अपना जो है वो चिकन के फ्राई होने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बोल लेंगे और उसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। वन टीस्पून जो है वो यहाँ पर इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून ही गार्लिक पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। अति यहाँ पर ये देखें दूध है, इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग है वो इसमें ऐड करूँगी, और इसको करूँगी अच्छा सम्प्लेट। यहाँ पर अब एक पीस का उठाऊँगी और इसको इस अंडे वाले बैटर में अच्छी तरह से डिप करूँगी, और उसके बाद इसको ये जो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म हो रखा था इसमें ऐड करूँगी।
इसी तरह बाकी के तमाम पीसेस को मैं डाल दी जाऊंगी। अब चिकन जो है वो हमारा ऑलरेडी टाइटर है, इसलिए इसको इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा, बस हमें जस्ट इससे कलर दे रहा है। तो अब इससे देखें कितना खूबसूरत सा, यहाँ देखें जैसा खूबसूरत सा गोल्डन सा वाइट सा है। तो यहाँ पर देखें ये जो हमारे पीसेस हैं वे कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह तमाम बाकी ये पीसेस जो हैं वो इसमें ऐड कर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं डालें, नहीं पसंद करते तो बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब राइस भी मेरे रेडी है, तो अब करते हैं इसको डिश आउट। यहाँ पर राइस देखें कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। को करती हूँ डिश आउट। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी के साथ आपको टोटल रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो यकीनन आपको बहुत ही इजी लगी होगी रेसिपी, बनाने में भी देखने में भी, तो यकीनन आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह जल्द ही इस तरह की अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। Till then, take care. Allah Hafiz.